लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूँ शालू। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने भागलपुर पहुँचे जल संसाधन मंत्री संजय झा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने भागलपुर पहुँचे। मंत्री संजय झा ने नौगछिया इलाके में जानवी चौक से इस्माइलपुर तक निर्माणाधीन तटबंध का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने जानवी चौक से गंगा प्रसाद जमींदारी बांध, लक्ष्मीपुर से गंगा प्रसाद जमींदारी बांध, बिंद टोली तटबंध सहित अन्य कई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं 2005 से ही इस्माइलपुर से बिंद टोली तक तटबंध के निर्माण और मरम्मती में अरबों रुपए की राशि अब तक खर्च हो चुकी है। बावजूद इसके इस बार यह बांध टूट गया है और इसके टूटने के बाद बाढ़ ने क्षेत्र में काफी ज्यादा तबाही मचाई है। गंगा और कोसी नदी के जल प्रलय से इस बार न सिर्फ नौगछिया बल्कि भागलपुर की शहरी आबादी और इससे सटे सबौर इलाके में भी चारों ओर तबाही का मंजर है। यही नहीं, भागलपुर कहलगांव की NH-80 सड़क को भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं मंत्री संजय झा ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के उपरांत भागलपुर परिषदन में पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा से हुए कटाव और उसके बचाव के लिए किए गए कार्यों के बारे में अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। इसके पश्चात जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इंजीनियरिंग कॉलेज DPS और कृषि महाविद्यालय सहित अन्य का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर मंत्री संजय झा ने विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इनलैंड वाटरवेज के साथ सर मीटिंग जो हुआ था भारत सरकार से, देखे थे सर इसको, जो 84 धार को देखे थे, इस 84 धार जिस समय हम लोग देखे थे LWL था उससे लगभग 2-4-5 फीट डेढ़ 2 मीटर ऊपर था इसका बेड, इसमें बालू था, लेकिन सर इसमें जो है सो घर उर बना हुआ है, जो बसावट है वही रोकता है। 20 साल हो गया, वहाँ तो खाली पड़ गया, वहाँ तो रहेगा ना। यहाँ पर कोई दिखाइए और एक बैग जो है 10 मीटर की लंबाई में, 10 मीटर की चौड़ाई में और पूरे लंबाई में एक साथ सी। नहीं, हम लोग आए हैं, पिछली बार भी जो एक जगह सिंक कर गया था, ये आपको इस्माइलपुर वाला बिंद टोली वाला जो एक जगह था, और मुख्यमंत्री भी जी भी आकर के ऊपर से सारा देख के गए थे उसको, तो आगे इसमें कैसे काम करना है। और पीछे जो गंगा प्रसाद जमींदारी बांध है वहाँ पर भी काम किया डिपार्टमेंट के लोगों ने, एक बड़े पॉपुलेशन को बचाया जिस हिसाब से एक जगह सिंक करके और पानी आ गया था, तो आगे क्या करना है उसी के लिए हम लोग आज आए हैं। और 2-3 इश्यू जो यहाँ के जो हमारे सांसद भी हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो उसके बाद हम लोग अभी सर्किट हाउस में बैठेंगे और जो मोटा मोटा चीज़ जो समझ में आया देख करके, और क्योंकि अर्ली बारिश हो गई, नहीं तो ये जो अभी आप देख रहे थे एंटी फ्लड स्लिप्स ये सब काम तो हो जाता, लेकिन जब यस आ गया मई में उसके बाद से जो काम भी हुआ था तो काम वही रुकी, आगे कैसे ले जाना आगे और क्या क्या हो सकता है इसी के लिए। तो ये रिंग बांध एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, और एक दो जगह हम तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो हम लोग देखे कि जितना मकई का ई लगा करके रखता है उसमें कैसे देखेगा इंजीनियर, ये भी तो देखना चाहिए। इंजीनियर तो जा ही रहा है बांध पर, अब नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा, अब पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है वो रखा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है, और जो ये एक अल्टरनेट रूट बन जाए और इसका काम कंप्लीट हो जाए तो इसको फोकस करके जहां हम लोग खड़े हैं करीब 19 किलोमीटर का ये जो रिंग बांध है, एक अल्टरनेट रूट भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, तो इस पर काम
बरसात के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। तो इस नलकूप को बचाने के लिए किस तरह से लगातार खर्च किया जाता है प्रत्येक साल यहाँ? अरे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल से खर्च किया जाता है, तो आज जो जानकारी मिली जो जहाज आता है वो जहाज कट करके जाता है और जो स्पर हमारा है उसको डैमेज कर देता है। ये भी हम लोग भारत सरकार में उठाएंगे बात, इस चीज को एक मिनट इसको भी उठाएंगे हम लोग भारत सरकार में जा करके। और शायद नदी अपना कोर्स भी चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इसको देखेंगे। हम लोग तो आज भी बात किया है कि इस्माइलपुर विंध्य टोली में क्या किया जाए जो परमानेंट सॉल्यूशन हो। हर एक साल डिपार्टमेंट के लिए भी एक ये चैलेंज है कि हर एक साल यहाँ पर आपको काम कराना पड़ता है। कुछ कुछ सुझाव आया है, अब जा करके हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनियमितता क्या है, तटबंध टूटने के बारे में सर क्या कहा जाए? बता तो दिया कि सिंक कर गया, पूरा का पूरा दब गया, निगरानी नहीं हो पाई, जो जमा कर दिए हैं कैसे देखेगा अंदर में क्या हो रहा है? लड़ू आने रखने दीजिए, पानी हटने के बाद इसको। सर एक रिक्वेस्ट था, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद इस बात का कि बांध तो कट गया, अचानक घटना घट गई, लेकिन इतने हाई फ्लड में और बहुत घनी आबादी सुरक्षित रह गया। इसके लिए आपको आपके सारे विभाग के लोगों, प्रशासनिक स्तर के जो भी हैं, सील वाले सारे लोगों को धन्यवाद, हम लोगों को बचा लिया। बात तो सही है, जितना बड़ा पॉपुलेशन था। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर है।